आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये, जो कि पार्क रेजिडेंस के नाम से लॉन्च किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते में ही, लास्ट वीक, इसकी लॉन्चिंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरशाम शेख फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट फ्राहम करता रहता हूं मैं। सो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये, जो कि पार्क रेजिडेंस के नाम से लॉन्च किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते में ही, लास्ट वीक, इसकी लॉन्चिंग हुई है और अभी प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर इन्होंने जो है ना इसकी एक सॉफ्ट लॉन्चिंग की है, और इंशाल्लाह इसकी जो अर्थ ब्रेकिंग है उस सेरेमनी के ऊपर इसके रेट जो है वो रिवाइज़ कर दिए जाएंगे। 10-20% तक इसके रेट रिवाइज़ होने के चांसेस हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपसे लोकेशन शेयर कर दूँ, ये बहरिया टाउन लाहौर में जो सेक्टर ए है, जो सेक्टर ए जो फेसिंग कनाल बनता है, जो कनाल रोड को फेस करता है, इसको कनाल व्यू रेजिडेंशियल भी कहते हैं। यहाँ पे ये इसकी लोकेशन इसके ब्लॉक के अंदर है। टोटल इसका जो एरिया है वो चार कनाल जो है वो उसके ऊपर बेस करता है। तकरीबन 2000 गज़ का ये प्लॉट बनता है, जो कि चार कनाल है। चार कनाल के प्लॉट के ऊपर इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जिसमें जो कवर्ड एरिया होगा वो दो कनाल होगा, और बाकी जो दो कनाल है उसमें इसको डेडिकेटेड पार्किंग दी जाएगी। जो भी इसमें रेजिडेंट्स होंगे, जो अपार्टमेंट में, जिनका अपार्टमेंट है यहाँ पर, जो भी उसमें रह रहे होंगे, जो भी रेजिडेंट्स इस प्रोजेक्ट में, इस बिल्डिंग में पार्क रेजिडेंट्स के जो होंगे, उनको डेडिकेटेड पार्किंग दी जाएगी। और इसमें जो सबसे अच्छी जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि ये एक तो बहरिया टाउन के सेक्टर ए के उस ब्लॉक के अंदर बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट में है, और बहरिया टाउन का सबसे पीसफुल जो ब्लॉक है और जो एरिया है वो कहलाता है सेक्टर ए। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है इसकी, बहुत खूबसूरत इसकी लोकेशन। जो मेन शाहकाम चौक जो है, जो फ्लाईओवर भी बन रहा है, उससे एक मिनट, बल्कि मैं मेरे हिसाब से उसकी हार्डली, अगर आपके पास अपनी कन्वीनियंस है तो आप एक मिनट के अंदर अंदर ही इधर से अपने अपार्टमेंट से अगर निकलें तो आप एक मिनट के अंदर ही शाहकाम फ्लाईओवर तक पहुँच सकते हैं। ये इसकी लोकेशन थी। लीगल स्टेटस इसका ये है कि ये TMA से जो है वो अप्रूव्ड है, इसको अप्रूवल्स मिली हुई हैं। इसके जो डेवलपर हैं, ABM डेवलपर जो इसके हैं, ABM होल्डिंग्स वाले, उन्होंने खुद ही ये प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है और खुद ही वो इसके डेवलपर भी हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो कैटेगरी दे रहे हैं वो, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें जी ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स हैं, दुकानें हैं, क्राउडेड एरिया होता है, ऊपर जो है वो रिहायशी अपार्टमेंट्स हो, ऐसा नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे फ़िलहाल इन्होंने भी जो है वो शॉप्स या जो भी शोरूम्स हैं अभी तक इन्होंने नहीं लॉन्च किए, और जो देंगे वो भी मेरे ख्याल से 3 से 4 जो है वो शोरूम्स होंगे, और बिल्कुल वो साइड पे करके उसके अलग से एंट्रेंस होगी सारा कुछ, या जिस तरह भी है वो रेजिडेंट्स जो रिहायशी होंगे अपार्टमेंट्स में जो रह रहे होंगे वो, उनका उससे कोई वो इंट्रैक्शन नहीं होगा या कोई डिस्टर्बेंस नहीं कॉज करेगी। सो इसमें इस वक्त जो है ये ग्राउंड प्लस 14 जो है, 14 इसकी वो स्टोरीज हैं, ग्राउंड प्लस 14 का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें टोटल जो यूनिट्स हैं वो 88 अपार्टमेंट्स हैं, 88 अपार्टमेंट्स में से जो 8 से 10 अपार्टमेंट हैं वो 3 बेडरूम के हैं, बाकी जो है वो सारे 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स की जो जो साइज़ है इसका वो है 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, और इसकी प्राइस जो है इन्होंने वो रखी हुई है, 2 बेडरूम की जो प्राइस है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर बताऊँ तो 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। टोटल प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 1 करोड़ 45 लाख बनती है, 1 करोड़ 45 लाख टोटल प्राइस है। 20 लाख रुपये से इसकी बुकिंग है, 3 साल का जो है इसका पेमेंट प्लान है, और जो 3 बेडरूम अपार्टमेंट है वो 1500 स्क्वायर फीट का है, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है 3 बेड अपार्टमेंट का। टोटल प्राइस जो है वो उसकी है 1 करोड़ 94 लाख, और उसका अगर मैं आपको स्क्वायर फीट में बताऊं तो 1500 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है 3 बेड दिया है ये 13,000 रुपये, 13,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने ये रेट लॉन्च किया इसका, और 3 साल का पेमेंट प्लान है। इसकी बुकिंग 30 लाख से 30 लाख से हो रही है। इस प्रोजेक्ट की जो अमेनिटीज़ हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो रेजिडेंट्स हैं वो क्या क्या चीज़ें, फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकते हैं, वो ये है कि इसमें
जिम है, स्पा है, और इसमें स्विमिंग पूल है, रूफटॉप टेरेस है, और इसके अलावा रेस्टोरेंट एंड कैफ़ेज़ हैं। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से और इसकी दूसरी अमेंडमेंट्स के बारे में बात करूँ तो इसमें हाई स्पीड लिफ्ट है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, 24/7 सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम है इसका। बहुत ही सिक्योर जो है इसका सारा वो सिस्टम बन रहा है, जो इनकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसका बिल्डिंग का, और इंतहाई पुरसकून इन्वायरमेंट में बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन बैरियर टाउन की ये बनती है। और मज़े की बात आपके साथ बताता चलूँ मैं कि 3-bedroom अपार्टमेंट्स जो हैं इसके, जो कि 8 से 10 ही थे, वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं कम्प्लीटली एक हफ्ते के अंदर अंदर। सो 2-bed अपार्टमेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी मौजूद है। इस वक्त जो ये रेट्स हैं ये प्री लॉन्चिंग और सॉफ्ट लॉन्चिंग इसके रेट आए हुए हैं। व्यूअर्स, जो ABM होल्डिंग है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ABM स्टैंड्स फॉर अबू बकर मलिक। ये मलिक रियाज साहब के रिलेटिव हैं, उनके ग्रैंड किड्स में इनका शुमार होता है, और उनके साथ बड़े क्लोज मुरासम हैं बिज़नेस के हवाले से, रिश्तेदार तो हैं ही हैं, कारोबार में, बिज़नेस में, रियल एस्टेट में इनकी कंप्लीट कोलैबोरेशन है, और मलिक रियाज साहब की पूरी सपोर्ट हासिल है। बहुत ही डेडिकेटेड डेवलपर हैं और यंग ब्लड है, ही इज़ वेरी यंग बाई एज, और इस एज में अबू बकर साहब ने जो रियल एस्टेट के फील्ड में अपना जो नाम बनाया है, सो वो साफ नज़र आता है कि ये मलिक रियाज साहब जिस तरह से मेहनती इंसान है, जिस मेहनत से उन्होंने बहरिया टाउन को अपने इस मुकाम तक पहुँचाया, अबू बकर मलिक ये भी इसी ख़ानदान से हैं, और ये भी अपनी जो है ना वो काम से और अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत ही डेडिकेटेड हैं। किसी किस्म के कोई फ्रॉड का चांस नहीं है, किसी किस्म का ये नहीं है कि जी आपसे कोई डाउन पेमेंट्स ले के जी उस पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने है, नहीं। ABM वाले जो हैं ये ख़ुद इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने का बैकअप अपने पास रखते हैं, और वो उस बैकअप से ही तैयार करेंगे। वो इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर रहे कि जी कस्टमर की डाउन पेमेंट्स आएंगी तो ही हम जो है वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करें या कुछ उसकी कंस्ट्रक्शन को आगे लेके जा सकें, किसी आवाम के पैसे पे वो रिलाई नहीं कर रहे जैसे कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वाले करते हैं। सो इनका वैसा सिस्टम नहीं है। इस वक्त जो है वो इनकी हर दिल अजीज़ चल रहा है प्रोजेक्ट। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, इसके फ्रंट एलिवेशन बहुत प्यारा है, आपको इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी जो बिल्डिंग एलिवेशन है, यही इसका फ्रंट एलिवेशन जो है वो फाइनल फिनिशिंग के बाद यही लुक देगा। बहुत ही प्यारी लुक देगी बिल्डिंग इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो किसी किस्म की मज़ीद क्यूरी या इन्फॉर्मेशन के लिए या बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो से आप लोग अपडेटेड रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।